बहनों, हम आज दोहराएंगे इस हफ्ते के सीखे हुए सारे अक्षर और मात्राएं। च, य, ळ, ग, थ, औ की मात्रा, भ और आ। एक बार फिर से देखें। च, य, ड, ग, थ, औ की मात्रा, भ और आ। चम्मच याद है कि भूल गई? ये देखो चम्मच, इसके हैंडल को छोटा किया, साथ में रखा एक गिलास जिसे ढक दिया। ये मिलता है ना बिल्कुल अक्षर च से। च लिखना सीखते हैं पेंसिल से। वह तो तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? बस इसको यूं अंदर किया, बन गया य। प, प का पेट यूं अंदर किया, बन गया य। लिखना सीखते हैं। अरे वाह, ये तो पंडित जी हैं। अरे इनके गले का गमछा उड़ के क्या बन गया? बिल्कुल अक्षर ग जैसा लगता है ना। ग से गमछा, ग से गला। अब ग लिखना सीखे पेंसिल से। रड़ा तो बहुत आसान है। ड के नीचे लगाई एक बिंदी, बन गया ड। अब इसे लिखना सीखे पेंसिल से। लकड़ी से गोबर गैस, भली। लकड़ी से गोबर गैस भली। लड़का लड़की बराबर, लड़का लड़की बराबर। लड़की की शादी जल्दी नहीं। देखो, सफाई अपनी हो या अपने वातावरण की, दोनों ही बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, अपने को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? नहाते हैं। हाँ, लेकिन नहाते तो हम दिन में एक ही बार है ना। अब देखो, घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, खेतों में जाना, या छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो गंदे हो जाते हैं, फिर क्या करना चाहिए? तो बहन जी, इसके लिए हम हाथ धोवे। क्यों, हाथ क्यों धोते हो? हाथ सफा करने के लिए बहन जी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि हमारे हाथ तो साफ ही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है? मालूम है क्यों? कि छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, वो हमारी उंगलियों के पोरों में छुपे होते हैं, और इन्हीं कीटाणुओं से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इन कीटाणुओं को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर हम साबुन से हाथ धोवे। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। लेकिन अगर कहीं साबुन ना मिले तो राख से धो लेने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि राख भी ना मिले, तब क्या करना चाहिए? अजी बहन जी, राख ना मिले तो क्या हुआ? सूखी मट्टी तो साफ हर जगह मिल जावे है, उसी से हाथ धो लेने चाहिए, और बात है बर्तन भी मच जावे है। बिल्कुल ठीक। हाँ अच्छा, अब इन सब बातों के साथ एक बात और है जिसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ? कोई भी फल या सब्जी इस्तेमाल करनी हो
तो उसे पहले अच्छी तरह से धो के साफ कर लेना चाहिए। अच्छा, अब ये सब बातें याद रहेंगी तुम सबको? बिल्कुल याद रहेंगी बहन जी। भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलेंगे। अक्षर थ याद है ना? एक छोटी थाली, उसके नीचे बड़ी थाली, एक डोई सीधी खड़ी हुई, दूसरी डोई उस पर लेटी हुई, बन गया ना अक्षर थ। थाली शब्द अक्षर थ से ही तो शुरू होता है। अब इसे लिखना सीखे पेंसिल से। ये है कौवे की चोंच। अब इस खुली हुई चोंच के नीचे हम अगर रख दें अ का डंडा तो बन जाती है औ की मात्रा। औ की मात्रा, कौवे की खुली चोंच, आ के डंडे पर औ की मात्रा। अब इसे लिखना सीखें। ये तो याद ही होगा कि डाली से लटके हुए दो आमों को अगर यूं घुमा दें तो बन जाता है अक्षर आ। और आम भी तो आ से ही शुरू होता है। लिखना सिखाएगी हमारी पेंसिल। अक्षर तो पहचानती हो ना? इसके ऊपर की लकीर को यूं मोड़ दिया तो बन गया भ। मां, मां के ऊपर की लकीर को यूं मोड़ दिया, बन गया भ। भारत आबादी न बढ़ने दो। भारत की आबादी न बढ़ने दो। थोड़ी चाय दो, थोड़ी चाय दो। तुम लोग आज सोच रहे होगे कि बहन जी ने आज अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं शुरू की, मगर मैं आज तुम लोगों को भूगोल नहीं पढ़ाऊंगी। आज मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहते हैं। आज टीवी पे खेलों का मुकाबला देखा था तुम लोगों ने? हाँ बहन जी। तो साथ साथ ये भी देखा होगा कि उसमें लड़कियां भी भाग ले रही थी। हाँ बहन जी। मैं विशेषकर लड़कियों से ये बात इसलिए कह रही हूँ कि तुम लोग ये ना समझना कि तुम्हारा काम सिर्फ चूल्हा चक्की है। जीवन के किसी भी मैदान में तुम आगे बढ़ सकती हो, बस हिम्मत करने की देर है। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे साधन ना होने का रोना रोते हैं ना, उन्हें मैं प्रेम की मिसाल देना चाहती हूँ। देखो, वो भी इसी गांव में पैदा हुआ, लेकिन पूरे एशिया में कितना नाम रोशन किया उसने, अपना भी और अपने देश का भी। इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं कर सकता है। आज तुम सब वादा करो कि तुम सब प्रेम बनकर दिखाओगे। आज तुम सबकी छुट्टी, लेकिन यहाँ से घर कोई नहीं जाएगा, यहाँ से सीधे खेल के मैदान में जाएंगे। तुम सबको अपना खेलों में नाम रोशन करना है ना, तो इसका शुभारंभ आज से ही से। चलो चलें खेल के मैदान में। चा आ का डंडा या चाय। च आ का डंडा चंद्र बिंदु दा चांद। च आ का डंडा द रा चादर। च अदा मा मा चा चम्मच। प आ का डंडा य आ का डंडा पाया। आधा प
या आ का डंडा जा प्याज आधा प या आ का डंडा ला आ का डंडा प्याला सा ड का सड़क ल ड़ा क आ का डंडा लड़का ल ड़ा क बड़ी की मात्रा लड़की ग आ का डंडा या गाय ग मा ल आ का डंडा गमला ग आ का डंडा ज रा गाजर ग बिंदु द बड़ी की मात्रा गंदी न था नथ थ न थन था क न थकन थ ए ल आ का डंडा थैला थ आ का डंडा ल बड़े की मात्रा थाली द औ की मात्रा डा दौड़ क औ की मात्रा व आ का डंडा कौवा च औ की मात्रा क बड़े की मात्रा चौकी च औ की मात्रा प आ का डंडा ल चौपाल च औ की मात्रा र आ का डंडा ह आ का डंडा चौराहा आ ग आग आ म आम आ चंद्र बिंदु ख आग आ ब आ का डंडा द बड़े की मात्रा आबादी आ ग आग भा आ का डंडा डा भाड़ भा ए की मात्रा डा भेड़ भ आ का डंडा र ता भारत भा आ का डंडा ग न आ का डंडा भागना। बहनों हम आज मिलकर सीखेंगे एक अक्षर छ और बड़े ऊ की मात्रा। ओफो छिपकली यहाँ भी घर में दीवारों पर घूमती हुई छिपकली देखी है ना? अब अगर इस छिपकली की दुम को यूं मोड़ दें, तो लगती है ना बिल्कुल अक्षर छ जैसी। एक बार फिर से देखिए, छिपकली की दुम मुड़ी हुई बिल्कुल अक्षर छ जैसी। छ से ही तो शुरू होता है शब्द छिपकली। छ सबको मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते। हाँ तो बहनों, ये बताओ अब तक हम जितना सीख चुके हैं वो आ गया है ना समझ में? कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? मुझे आशा है अगर तुम इसी तरह सीखने में लगी रही ना, तो एक दिन तुम भी मेरी तरह सबके साथ मिलकर उन्हें सिखाया करोगी। हाँ, आज हम सीखने जा रहे हैं अक्षर छ। ये छोटी सी घूमी हुई लकीर, उससे मिलाकर एक और घूमी हुई लकीर, और फिर उससे मिलाकर एक छोटा सा अंदर की तरफ गोला ऐसे। आगे क्या? वही ऊपर छत वाली लकीर। ये बन गया अक्षर छ। आसान है ना?
एक बार फिर देखें। अरे कमला, तूने तो कमाल कर दिया। क्यों, क्या हुआ? इतना बड़ा काम और इतनी सारी महिलाएं काम कर रहे हैं। ये तो अभी कुछ भी ना है। मालूम है, पंचायत ने मेरे को इतनी सारी जमीन दी है, उसमें कमरे बन रहे हैं अभी, और जब वो बन जाएंगे ना तो हम सब मिल के काम करेंगे। तू सबको पगार देगी? थत, मैं भला कौन होती हूँ पगार देने वाली। वो तो हम सब मिल के काम करेंगे, जो मिलेगा वो सब बांट लेंगे। ये सब करने वाली तू ही है, उन सब की अफसर। तू जो आ गया उनका अफसर। मैं भला कैसे? नहीं समझा ना? देख, मैं उनकी अफसर हूँ ना, और तू मेरा अफसर। अरे ना कमला, मैं इस लायक कहाँ के तेरा अफसर। तू नहीं मानता। देख, हम एक फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथी। हाँ ये ठीक है, सुन के कानों को भी भला लगता है, जैसे गाड़ी के दो पहिए। अब तो तुम बड़ी बड़ी बातें सीख गया है। अभी क्या, आज तो काम का पहला दिन था। दो तीन दिन काम करूंगा तो सब सीख जाऊंगा, फिर तुझे भी काम नहीं करने दूंगा। नहीं तो तू मेरे को निकम्मा बना के छोड़ेगा। आराम करने का तेरा भी अधिकार है, यहाँ पहुँचने के लिए न जाने कितनी मेहनत की होगी तूने। जैन तो तू गलती कर रहा है, काम ना करने से आदमी हारता है, काम करने से तो जिंदगानी मिलती है। मैं भी ये सब काम सीख लूंगा। ना, तेरे से तो मेरे को बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं, ये काम तो कोई और कर लेगा। बताना क्या क्या करना होगा मुझे। बेंजी आ गई। आ गई कमल। नमस्ते बेंजी। कारखाना देखा? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये सब करने वाले तो आप ही हैं। कमला को समझ का है इसकी? ना बाबा, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ इसी ने किया है। देखो, बैंक से कर्जा इसने लिया, शहर ये गई, सारी औरतों को इसी ने इकट्ठा किया है, और फिर उन सबको एक काम सिखाया, सब कुछ इसने किया है। अच्छा जी, मैं तो समझू था ये एकदम बुद्धू है। ये है आदमी जो सीटी बजा रहा है। अब जरा इसे गौर से देखो। अरे ये सीटी तो बिल्कुल बड़े ऊ की मात्रा जैसी लगती है। बड़े ऊ की मात्रा। एक बार फिर से देखें, आदमी जो सीटी बजा रहा है, और सीटी बिल्कुल बड़े ऊ की मात्रा जैसी। बड़े ऊ की मात्रा। बहनों, अब जो हम सीखेंगे उसमें तो कुछ है ही नहीं, बस बहुत आसान मात्रा है। ये है बड़े ऊ की मात्रा। लिखे, ये छोटा सा गोला और गोले के साथ मिली हुई टेढ़ी लकीर। ये बन गई बड़े ऊ की मात्रा। देखो, इसी तरह से हर चीज बहुत आसान होती जा रही है ना? एक बार फिर देखें। सच बताओ, ये सब मुश्किल है या आसान? भाई मुझे तो बहुत आसान लग रहा है। और मुझे मालूम है तुम्हें भी आसान लगेगा, है ना? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम करने हैं मुझे, मैं फिर आऊंगी। नमस्ते। अरे कैलाश, कहाँ भागा जा रहा है तू? दूसरे गांव जा रहा हूँ मौसी, डॉक्टर को लेने। क्यों, क्या हुआ, कौन बीमार है? छोटी को 10 लग गए मौसी, बहुत बेहाल है। अरे तो फिकर की क्या बात है, जा तू डॉक्टर को बुला के ला, मैं सब संभाल लूंगी, तू फिकर मत करे। देख, एक गिलास साफ पानी में एक चुटकी नमक, उसके बाद एक चम्मच चीनी, और इसे अच्छी तरह से घोल लिया, और
इसे कह दस्त लग जाए तो ऐसी हालत में थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहो। ले ला ला, हाँ ले ले, चबा चबा चबा, इससे शरीर में पानी की कमी ना रहेगी हैं? और ऐसी हालत में दाल का पानी, चावल का पानी, नारियल का पानी, जो भी मिले सो पिलाती रहे, चाय का पानी भी दे सके और अपना दूध भी थोड़ी थोड़ी देर में पिलाती रही हो, इससे बच्चे के शरीर में पानी की कमी कतई ना रहेगी, समझी? ये छड़ी कितने काम की होती है, बड़े बूढ़ों को इस छड़ी से चलने फिरने में मदद मिलती है। छड़ी, छ, ड, ड पे बड़ी ई की मात्रा, छड़ी। छतरी तो भाई छड़ी से भी ज्यादा काम की है। छ, त, र, बड़ी ई की मात्रा, छतरी। इसे खोल दो तो बारिश और धूप दोनों से बचाती है, और बंद कर दो तो छड़ी का भी काम देती है। छ, त, री, छतरी। ये है जूता, ज, ज पे बड़े ऊ की मात्रा, त, आ, जूता। तुम्हें मालूम है ना, नंगे पैर फिरना अच्छा नहीं है, हमें जूते या चप्पल हमेशा पहने रहना चाहिए। अरे ये क्या है, ओहो छोटा सा चूहा है। अरे ये चूहा कैसे भागा, च, उ, ह, आ, चूहा। चूहा अपनी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, चूहा। ओहो छिपकली यहाँ भी, घर में दीवारों पर घूमती हुई छिपकली देखी है ना? अब अगर इस छिपकली की दुम को यूं मोड़ दें, तो लगती है ना बिल्कुल अक्षर छ जैसी। एक बार फिर से देखें, छिपकली की दुम मुड़ी हुई, बिल्कुल अक्षर छ जैसी। छ से ही तो शुरू होता है शब्द छिपकली, छ। पंडित जी, और पंडित जी के गले में है आ, जो उनके गले से कभी नहीं हटता है। याद है एक दिन गमछा उनके गले से उड़ गया था और बन गया था अक्षर ग, ग, म, छ, आ, गमछा। म, च, छ, र, मच्छर। लेकिन च को आधा करने के लिए हम इसका डंडा हटाते हैं, ये हो गया म आधा च, छ, र, मच्छर। ये उल्लू देख चुकी हूँ ना, उ, ल, ल, बड़े ऊ की मात्रा, और फिर वैसे ही ल को आधा करने के लिए इसका डंडा हटाते हैं, ऊ आधा ल, ल, उ, उल्लू। पहचाना ये क्या है, अ, आ का डंडा, ल, और बड़े ऊ की मात्रा, आलू। आलू की सब्जी बहुत मजेदार बनती है ना, आलू। छ, ओ, ट, उ, छोटू, वही छोटू जो पंडित जी के ढाबे में काम करता है। छ, ड, बड़े की मात्रा, छड़ी। छ, त, र, बड़े की मात्रा, छतरी। ग, म, छ, आ का डंडा, गमछा।
पड़ो की मात्रा ह आ का डंडा चूहा ज पड़ो की मात्रा त आ का डंडा जूता आ ल पड़ो की मात्रा आलू उ अदला ल पड़ो की मात्रा उल्लू चलते जाना है चलते जाना है राह में शिक्षा